इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक मनी मंत्र में। जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का पंचांग 18 सितंबर 2022 दिन रविवार। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मृगशिरा नामक नक्षत्र आज होगी। आज का राहु काल शाम 4:51 से शाम 6:23 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:40 तक रहेगी। दिशा शूल पश्चिम दिशा। यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दलिया घी या पान खाकर घर से बाहर जाएं, लाभकारी होगा। मित्रों, यदि आप भी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपना जन्म डिटेल और अपने क्वेश्चन के साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, आज का राशिफल जान लेते हैं। कन्या राशि, आज के दिन अलग अलग तरह के विचारों और दुनिया भर के नए पैदा हो रहे अवसरों के चलते थोड़ा सा उलझने वाला रहेगा। विभिन्न शक्तियाँ आपको अपनी तरफ खींचेंगी। अधिक सोचने और हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें, इसके स्थान पर अपने मन की ही सुने आपके लिए सर्वोत्तम होगा, भले ही आपको इस समय सही ना लग रहा हो। स्वास्थ्य और कल्याण, आज आपका दिन है, आपकी किस्मत पूरी तरह आपके साथ है। आपको दोस्तों और ऑफिस में खूब प्रशंसा मिलेगी। इन सब के बीच अपनी प्राथमिक आवश्यकता यानी सेहत को ना भूलें। समय से और सही खाना खाएं। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप खाने की किसी भी चीज का आनंद ले पाएंगे। प्यार और संबंध, आप सामने वाले को अपनी हंसी मजाक से प्रभावित करना चाह रहे हो, लेकिन या तो वह आपसे प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर यह बात जाहिर नहीं होने देगा। शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए, इसीलिए जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। करियर और धन, दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्य खत्म करने की कोशिश करें। आपको दिन के उत्तरार्ध में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी क्रय या विक्रय में सावधानी बरतें, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति पर एक मजबूत नियंत्रण करना होगा ताकि आप अपने खर्च को संतुलित कर पाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा और सलेटी। उपाय, ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप सुबह शाम दोनों समय 11 बार करने से स्वास्थ्य बना रहेगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम हमें बताएं ताकि हम आपके लिए उपाय बता पाएं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।